इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का हर मकदम है। अहम खबरों पर एक नज़र। आखिरकार कोरोना वैक्सीन देने का आगाज हो चुका है। आज बेलगाम में केली और बिम्स के साथ जिले में दिगर 13 जगहों पर कोरोना वैक्सीन देने का काम जारी हुआ। सेहत महकमा की गाइडलाइन के मुताबिक वैक्सीन दी जा रही है। सेहत महकमा की जानिब से मुंतखब आशा कारकुनान, आंगनवाड़ी कारकुनान और सेहत महकमा के मुलाजमीन कोरोना वैक्सीन दी जाने वाली है। अथनी तालुका में भी वैक्सीन देने का आगाज हुआ तो तालियों के साथ पहली वैक्सीन दी गई। इस वक्त खुद बेलगाम डीसी एमजी हिरमेंट मौजूद थे। तालियों के साथ वैक्सीन देने का आगाज हुआ। कुल 100 से भी ज्यादा अपराधों को आज वैक्सीन दी गई। आज बेलगाम शहर में पुलिस महकमा की जानिब से वजीर दाखिला एवं गृह मंत्री की आमद पर जबरदस्त बंदोबस्त किया गया। कल दोपहर को वजीर दाखिला बेलगाम शहर तशरीफ लाएंगे। पूरे शहर में भाजपा की जानिब से हर जगह पर परचम लगाए गए थे। अवाम की जानिब से ये भी सवाल किया जा रहा है कि किसी भी पार्टी का हो पर इस तरह परचमों से शहर की खूबसूरती को ढक देना क्या ठीक है। शहर के हर सर्कल, बस स्टॉप, बिजली के खंभों को, डिवाइडर को भाजपा के परचम ही दिखाई दे रहे थे। कई जगह पर राम मंदिर चंदे के ऐलान के बैनर और अमित शाह के इस्तकबाल के पोस्टर भी लगे हुए थे। चाहे भाजपा हो या कांग्रेस या फिर जेडीएस, किसी भी पार्टी के परचम तो लगाए जाते हैं पर क्या बाद में निकाले जाते हैं। अवाम का कहना है कि परचम तस्वीरों को बाद में निकाला जाए ताकि शहर की खूबसूरती बरकरार रहे। मौत से इंसान क्यों है डरता, इसके आने का तो पता तक नहीं चलता। तेज तूफानों की तरह आती है ये, सब कुछ बिखेर के चली जाती है। मौत बहाने तलाशती है, इसमें से एक है हादसा। धारवाड़ के नजदीक हुआ हादसा भी कुछ इसी तर्ज का रहा। इस तेज रफ्तार जिंदगी में कुछ लम्हे अपनों के साथ बिताने की कोशिश हर कोई करता है, खासकर अपने स्कूल कॉलेजेस के दोस्तों के साथ। जिंदगी की किताब के वो पन्ने तो पलट कर इत्मीनान हासिल करने की कोशिश करता रहता है। कल जो हादसा 13 सहेलियों का हुआ, शायद इतना तकलीफ दे कभी नहीं देखा होगा। तमाम बचपन की सहेलियां जिंदगी के उन पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए मकर संक्रांति के त्यौहार के दिन पिकनिक दावणगेरे से गोवा जा रहे थे। पहले सभी सहेलियों ने सेल्फी भी ली थी और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया था। बरसों बाद बचपन की सहेलियां एक जगह पर मिली थी पर उन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि तकरीबन 12 सहेलियों की जिंदगी की किताब इसी सफर के साथ खत्म होने वाली है। अरसे बाद गोवा जाने का ख्वाब तो सभी सहेलियों ने देखा था पर ख्वाब अधूरा ही रह गया क्योंकि मौत से इनका सामना होना था, जिसमें 12 सहेलियों के जिंदगी का सफर ही खत्म हो गया। गोवा का ख्वाब अधूरा रहा। दावणगेरे से निकलकर धारवाड़ में नाश्ते का इंतजाम भी इन्हीं के स्कूल के सहेलियों ने किया था पर नाश्ते से पहले मौत ने ही इन्हें दबोच लिया। जिंदगी के सफर में मौत और जिंदगी हमेशा साथ साथ चलते हैं। कभी जिंदगी बाजी मारती है तो कभी मौत, और जब मौत जीत जाती है तो तमाम खेल खत्म ही हो जाता है। अजीब चीज है कफन भी, जिसने बनाया इसने बेच दिया, जिसने खरीदा इसने खुद इस्तेमाल न किया और जिसने इस्तेमाल किया उसे मालूम ही नहीं था। जारकीहोली भाइयों की जुमलेबाजी आजकल काफी चर्चा का मौजू जेर बहस दिखाई दे रहा है। सतीश जारकीहोली ने रमेश जारकीहोली की बात को रद्द करते हुए कहा कि जारकीहोली फैमिली कभी आरएसएस की थी ही नहीं। तो रमेश जारकीहोली ने पलटवार करते हुए कहा कि जारकीहोली खानदान ओरिजिनली आरएसएस का है। तो रमेश जारकीहोली ने जवाब देते हुए कहा कि सतीश जारकीहोली का जहनी तवाजन खो चुका है। वही सतीश जारकीहोली ने रमेश जारकीहोली की सच्चाई गोकाक में जाकर देखो ऐसा कहा। एक बार फिर रमेश जारकीहोली ने सतीश जारकीहोली पर फिर पलटवार करते हुए कहा कि वजीर आला का ख्वाब सतीश जारकीहोली देख रहे हैं, पिछले 7 सालों से आराम ही कर रहे हैं। आने वाले 2 साल के लिए कांग्रेस के पास कोई काम ही नहीं है। हर लिहाज से सतीश जारकीहोली एक नाकाम कैद है। लिहाजा अब देखना है कि अब सतीश जारकीहोली क्या जवाब देते हैं। जो भी हो, दोनों भाइयों की जुगलबंदी अखबारों की जगह पूर करने का काम जरूर कर रही है। आज फिर साबिक वजीर आला सिद्धरमैया ने भाजपा के खिलाफ अपना बयान दर्ज करते हुए कहा कि भाजपा के अख्तदार में कभी अच्छे दिन आने वाले हैं ही नहीं, लिहाजा इनकी काली करतूत से कोरोना जैसे आलमी वबा भारत में दाखिल हुई। यानी कि भारत में जो आलमी वबा दाखिल हुई इसके लिए सिद्धरमैया पूरी तरह से भाजपा को जिम्मेदार ठहराते हैं।
जिससे काफी नुकसान हुआ, ये भी कहते हैं। कोविड 19 के मौके पर आवाम की सेहत का ख्याल करने के बजाय वजीर आजम ने तालियां और बर्तन बजवाए। देश की हालत बहुत ही खस्ता है और माशी हालत तो बे इंतहा बिगड़ी हुई है। पेट्रोल की कीमत बेतहाशा इजाफा हुआ है और अनकरीब 100 रुपये लीटर होने वाला है। मोदी हुकूमत में किसानों को इंसाफ नहीं मिल रहा। पंचायत चुनाव में जीते अराकीन को तहनीत पेश करने का इजलास बेंगलोर में मुनक्किद किया गया था, जिसमें सिद्धरामैया ने इस तरह का हमला भाजपा पर किया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।